नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर एंड आवर चैनल समाप्ति एक्सप्लोर्स। तो दोस्तों, आज मेरा धीमान पहली बार स्कूल जा रहा है। स्कूल मतलब KG 1 का उसका एडमिशन हो गया और आज है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। और ये वीडियो है रमादान की पहले की, ईद की पहले की, लेकिन तब ईद की वीडियो इतना सारा आ गया तो मैं दे नहीं पाई हूँ। और मैं सुबह सुबह थोड़ा सा नागेट्स दे दिया कि बच्चे पहली बार स्कूल जा रहा है और इसका स्कूल ना बहुत दूरी है हमारे घर से। एक्चुअली हम लोग मिडिल में रहते हैं और मेरे दोनों बच्चों का स्कूल दोनों तरफ है, एक ही स्कूल में नहीं है। और इसलिए मैंने थोड़ा सा नागेट्स वगैरह दे दिया कि बच्चे को थोड़ा बहुत अच्छा खाना मिलता है तो वो लोग तो खुश हो जाते हैं। नागेट्स उसको पसंद। और यहाँ पे सब चीज़ों में आपको तो नाम लिख के देना है। और ये रहा स्लैंटिंग लाइन, कार्ब लाइन और स्लीपिंग लाइन। लाइन सीधा करने के लिए, मतलब आपके बच्चे के हैंड राइटिंग शुरू करने से पहले उसका हाथ पहले रेडी होना है, सारे चारों तरफ से उसको रेडी होना है। ये सब रेडी करते हैं। और सारे बुक्स ना वो लोग स्कूल में रख देंगे। जब भी होमवर्क चाहिए, बहुत ही रेयर होमवर्क देते हैं, वीकली वंस ये लोग होमवर्क देते हैं, तभी बुक भेजते हैं। तो सारे चीज़ों में हम लोगों ने लेवल लगा के दे दिया, उसका नाम लिख दिया, क्योंकि आज ना टीचर बच्चे को पहचानते हैं ना बच्चे टीचर को पहचानते हैं, और टीचर भी उसके सामान को भी नहीं पहचानते। कुछ दिन जाएगा तो सब सबके चीज़ों की पहचान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और ऐसे कलरफुल बुक देख के किसको नहीं पढ़ना, कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। और ये रहा इंग्लिश की बुक और साइंस की बुक, सारे चीज़ है उसका। मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, और यही सब्जेक्ट है उसका। मतलब मैथ में जैसे हो गया नंबर सिखाएंगे, इंग्लिश में लेटर सिखाएंगे, साइंस में जैसे ये सारा नाम सिखाएंगे, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का नाम, और यही है। और ये रहा पाउच और एक क्लियर बैग दे दिया, कभी भी किसी भी चीज़ रखना हो तो क्लियर बैग ज़रूरी है। और एक जोड़ी कपड़ा उसका, कोई भी अभी छोटा है, ये इतना दूर जाएगा तो इसलिए एक जोड़ी कपड़ा। और अभी चलो तैयार कर देते हैं। तो हमारा कैंडिडेट तैयार हो गया, भविन भी चला गया स्कूल, बाबू भी चला गया, हम लोग जा रहे हैं उसके स्कूल थोड़ा सा देखने के लिए क्या करेगा। और अभी एक्चुअली रमादान है तो स्कूल तो ले, बच्चे का स्कूल लेट से शुरू हो रहा है 7:30 को। अदरवाइज जो नॉर्मल रमादान के बाद स्कूल टाइम होगा 6:10, तो बहुत अर्ली होगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वो है कि नॉर्मल टाइम पर ही जा रहे हैं, जो पहले प्ले स्कूल में जाता था उसी टाइम पर भी अभी भी जा रहा है। तो चले देखते हैं भविन के स्कूल जाके। और ये रहा भविन का स्कूल, आते आते 20 to 25 minutes लगता है। और थोड़ा सा शहर के बीच में ही है इसका स्कूल, जैसे बाबू का स्कूल एकदम थोड़ा सा आउटसाइड है, थोड़ा सा डेजर्ट टाइप का है, मतलब आसपास कुछ नहीं है। लेकिन भविन का स्कूल ऐसा नहीं है, आसपास रेजिडेंशियल एरिया है। तो चले अंदर जाते हैं, लेकिन पता नहीं हम अंदर जा पाएंगे कि नहीं। और ये रहा बस। और ये जगह जो है ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, एक बहुत अच्छा फील देता है, क्योंकि स्कूल के सामने ऐसा प्लेग्राउंड कम देखने को मिलता है। और वो जो वाइट कलर का गाड़ी जा रहा है ना, बच्चे को आपको रास्ते में ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरफ से अंदर आके बच्चे को यहाँ पर ड्रॉप करके दूसरी तरफ है एक गेट है, वहाँ से निकल सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये रोड साइड के साइड पर है स्कूल, और ये तो आप रोड साइड पर आपको उतरना हो तो मुश्किल हो जाता है। और ये रहा गेट, इसी तरफ निकलते हैं। तो हम लोग ना निकल गए। सबसे अच्छा लगा प्रिंसिपल खुद खड़े होके वहाँ पे बच्चे को वेलकम करे, क्योंकि आज पहला डे है, किसी का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है और किसी का फर्स्ट डे ऑफ क्लास है नया क्लास का। तो वो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम तो अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि ये किसी भी स्कूल में अलाउ नहीं है जिस दिन स्कूल शुरू हो जाता है। हम परसों आए थे बुक्स लेने के लिए, तब मैंने उसके क्लासरूम का कुछ वीडियोज़ लिया था। तो चलो वो मैं इसे दिखाती हूँ, बाबिन का क्लासरूम, दीवान का क्लासरूम कैसा है, स्कूल के अंदर कैसा है। आज ये सीट खाली पड़ा हुआ है, दोनों बच्चे स्कूल है। तो ये देखिए बाबिन का स्कूल। तो गेट के अंदर आते ही और राइट साइड पे एक सिक्योरिटी है, वहाँ पे आपको नाम रजिस्टर करना है। देन आने के बाद ऐसे बड़ा एक प्लेग्राउंड है, और इसके बाद ये सीढ़ी से आप अंदर जाना है। ये रहा मेन गेट, मेन दरवाजे के अंदर आते लेफ्ट साइड पे ऐसे एक बोर्ड है, उसके बाद दो सीढ़ी है, और उसके बाद ऐसे कॉरिडोर है जहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके रखा है। और ये रहा मेरे भाविन का क्लासरूम KG 1A। और क्लासरूम के अंदर आते ही चारों तरफ बहुत अच्छा अच्छा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है,
लिसन टू योर टीचर व्हाइल टॉकिंग, टीचर जब बात करते हैं सुनना है, क्लासरूम क्लीन रखना है और रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरे को रेस्पेक्ट करना है। और ये देखिए कलरफुल टेबल और चेयर, एक्चुअली यहाँ पे तो अभी बच्चे नहीं हैं इसलिए क्लीन करके ऊपर चढ़ा के रखा है। और यहाँ पे है प्रोजेक्टर, यहाँ पे चार जो हाउस होते हैं हाउस के कलर, भाविन ग्रीन ग्रीन कलर के उसका टी शर्ट है। और यहाँ पे जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सारा कुछ मतलब सीखने वाला जो चीज़ है, नॉर्मल है कि छोटे बच्चे को सीखना चाहिए पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलर्स, लेटर्स, नंबर्स, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तब क्लासरूम देख के मुझे लगा हम, काश हमारे क्लासरूम भी ऐसा होता तो मुझे लगता है और दो और चार लाइन ज़्यादा सीखते, क्योंकि हमारे टाइम पे तो एक ब्लैक बोर्ड था, ऐसे टीचिंग मटेरियल्स कुछ भी नहीं था और ऊपर से डस्टर भी नहीं था और ऊपर से था एक हम लोग पिलो बना के ले जाते थे उसी को ही पोछते थे। और ये देखिए पूरे क्लासरूम को कितना प्यारा डेकोरेशन किया है और दरवाजे पर भी ऐसे छोटे छोटे हनी भी लगा के रखा है और ट्री भी लगा के रखा है। और मैं सोचती हूँ घर पर कुछ भी सजा के रखती हूँ तो बच्चे कैसे ले लेते हैं, फाड़ देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी बच्चा, ये लास्ट ईयर की सब चीज़ बनाया हुआ है, मुझे नहीं लगता एक भी बच्चा ये सब तोड़ते हैं। और सारे क्लासरूम ऐसे ही डेकोरेशन करके रखा है और सारे बच्चों के साथ ही हम मैम टीचर्स डील करते हैं और सारे बच्चों का ही ये बिल्डिंग है। तो आप सोचो स्कूल में बच्चे कितने अच्छे से डिसिप्लिन होकर रहते हैं। यार देखिए ये सोलर सिस्टम और बहुत सारा प्रोजेक्ट की वर्क जो चारों तरफ लगाया हुआ है, देख के मन को लगता है कि ये ऐसे स्कूल होता तो हमारे टाइम पे, हमें मेरी बात कर रही हूँ, दूसरे के शायद मिला होगा अच्छे स्कूल ऐसा, लेकिन हम लोग एकदम सिंपल से स्कूल में पढ़े। टीचिंग मटेरियल्स के नाम पे सिर्फ ब्लैक बोर्ड था और यहाँ पे वॉशरूम भी गर्ल्स और बॉयज़ का अलग है, ये गर्ल्स वॉशरूम है। थोड़ा सा अंदर जाते मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और दोनों तरफ है टॉयलेट, यहाँ पे नीट एंड क्लीन, आप देख ही सकते हो कितना नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ से निकल के आप सीधा जाओगे तो राइट साइड पे है लाइब्रेरी, इमरजेंसी एग्जिट को भी जैसे आग वाग लग गया तब इसी तरफ से बच्चे को भी निकाल के ले जा सकते हैं। और ये रहा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में छोटे छोटे इन लोगों ने बैग बना के रखा जो अभी बुक्स, हम लोग तो बुक्स लेने आए हैं ना आज, तो सारा बुक्स ऐसे अलग अलग करके रखा है जैसे कि एकदम ईजी हो जाए सारे काम। तो और ये स्कूल है दोहेल पे जिसका नाम है ब्रिलियंट इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, जो हमें बहुत अच्छा लगा। इनका जो प्रिंसिपल मैम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है, वो उनकी हमारे भाभी का जो इंटरव्यू लेने का तरीका जो था वो सबसे सबसे अच्छा लगा, कि ऐसा नहीं है कि रिटन टेस्ट वगैरह ये सब कुछ भी उन्होंने नहीं किया, लेके बच्चे को लेके उनके रूम में पूछा इसका कलर क्या है, शेप क्या है, वही था। लेकिन दूसरे स्कूल में तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू होता है, तो हाँ आप लोगों को वीडियो दिखाते दिखाते, स्कूल दिखाते दिखाते ना घर भी पहुंच गए। और आज भाविन का पहला डे ऑफ स्कूल है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो हम मैंने सोचा भगवान को थोड़ा सा अच्छे से पूजा दूं, क्योंकि ये ही है ज़िंदगी की शुरुआत। और मेरे बच्चों को आप लोग भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद कीजिएगा, और भगवान के आशीर्वाद के बगैर हम कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने बना लिया खाना, छोटा फिश के साथ झींगा और मस्टर्ड सीड की पेस्ट दे के बनाया, और बनाऊंगी टमाटर और अंडा का एक चटनी बनाते हैं जो बच्चों को भी पसंद है। और एक्चुअली अभी रमादान चल रहा है ना तो 1:30 बजे तक वो आएगा, गया भी थोड़ा सा लेट है इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। और ये बनाते बनाते ही ना मेरा मिस कॉल आ गया तो मैं लेने चली गई, और ये देखिए मेरा छोटू को आज IT कार्ड भी मिल गया और साथ में और एक चीज़ उठा के ले गया, किसी लड़की का बैग, खुद का बैग स्कूल में छोड़ के आया और किसी लड़की का बैग उठा के लेके आए। तो मैम ने हमें मैसेज किया, फ़ोन भी किया, बोले नेक्स्ट डे पे आप भेज देना। तो अभी इसी बैग को लेके घर पे बहुत मज़ा होगा, क्योंकि वो दूसरे का बैग उठा के लेके आया और ऊपर से ट्रॉली बैग भी है। तो चलो दोस्तों मैं उसको तैयार करती हूँ और आज की वीडियो यही पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिन भर इसी बैग को लेके घूमना है ना बाबा, है ना, चलो बाबा।